Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. If you are new in this channel, so you may like and subscribe my channel and click the bell icon to get more notification of my videos. So students, this is the continued lecture of industrial preparations of hydrogen. This is the inter-class chemistry Sindh board chapter number 2, and this is the continued lecture is the by action of steam on coal. Jab carbon react karwa raha hai ki pehle reaction mein jab carbon react kar raha hai water ke saath 1000 centigrade temperature par, तो वाटर गैस मिल रही है. ठीक है, वाटर गैस का फार्मूला है H2 plus carbon monoxide. ठीक है, अब यहाँ पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है. ठीक है, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन ये भी एक गैस है. ये दोनों मिलकर जो है वाटर गैस बनी है. सही है, और वाटर गैस का पहले भी मैं लेक्चर दे चुकी हूँ. पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि वाटर गैस का कौन सा कलर होता है, कौन सी प्रोसीजर में काम आता है. ठीक है, और वाटर गैस जो हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, वो हमें किस प्रोसीजर के ज़रिए मिल रही है, जब हम कार्बन को वाटर के साथ हीट करवा रहे हैं. वाटर यानी स्टीम वाटर, यहाँ पे एक वाटर जो है वो स्टीम के जो है प्रोसीजर में है, यानी कि स्टीम के प्रोसेस में है, यानी कि एक स्टीम है. ठीक है, यानी कि वाटर को जब हम बॉयल करवाते हैं तो वो स्टीम की स्टेट में आ जाता है. तो यहाँ पे स्टीम की स्टेट में कार्बन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर को. ठीक है, यानी स्टीम को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर गैस मिलेगी. ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोसीजर आ रहा है कि वाटर गैस जो है उसको हम उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे रिमूव करवाएं. ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर गैस से रिमूव करवाने के दो प्रोसीजर होते हैं. ठीक है, एक तो हम क्या करें, इसी वाटर गैस को स्टीम वाटर स्टेट पे रिएक्ट करवाएं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर. ठीक है, 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और प्रेशर भी हाई रखें. तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इसी वाटर की स्टीम के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, ये पहले भी हमने रिएक्शन जो है लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हेवियर है वो नीचे रह जाएगी और हाइड्रोजन ऊपर जो है वो अलग से सेपरेट हो जाएगी. एक कंटेनर में हम लेंगे जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे. ठीक है, एक प्रोसीजर ये है, और बुक में दूसरा प्रोसीजर ये लिखा हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैन रिमूव बाय कूलिंग वाटर गैस. जब वाटर गैस को एक तो हम यहाँ पे टेम्परेचर देके रिएक्ट करवाएं, और दूसरा प्रोसीजर है कि जब हम कूल करवाएं. ठीक है, जब कूल करवाएं यानी कि हम उनको जो है हम टेम्परेचर बहुत ही कम दें, यानी कि -200 सेंटीग्रेड में टेम्परेचर चला जाए, उसको हम उतना कूल करवाएं, ठंडा करें. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एयर की जो है उसकी हेल्प के ज़रिए, यानी कि लिक्विड एयर एक ऐसी गैस होती है जो एब्जॉर्ब हीट रैपिडली एंड रिटर्न टू इट्स गैसेस स्टेट. ठीक है, यानी हीट को जल्दी से क्या करती है, रैपिडली उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हीट को. ठीक है, और रिटर्न गैसेस स्टेट में जल्दी लाने के लिए उसकी हेल्प करती है. ठीक है, यानी गैस स्टेट में लाने के लिए हम लिक्विड एयर की हेल्प लेते हैं. ठीक है, अब लिक्विड एयर जो है वो यहाँ पे यूज़ की गई है जब कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कूल करवा रहे हैं. ठीक है, तो उसके साथ अब ये दूसरा प्रोसीजर है, एक तो ये जब हम उसको हीटिंग करवाएं. ठीक है, और दूसरा ये कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को हीट कूल करवाएं. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम कूल करवाएंगे देन भी हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगी. ठीक है, और जब फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड के आपको जो ट्रेसेस हैं वो रिमूव करवाने हों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोऑक्साइड है. ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम फॉर्मेट मिलता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस जो हैं वो रिमूव करने हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस क्या करने हैं, रिमूव करने हैं, ताकि हाइड्रोजन क्लियरली हमें सेपरेट मिले. ठीक है, इस वजह से उसके ट्रेसेस को रिमूव करवाने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए सोडियम हाइड्रोऑक्साइड सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमें सोडियम फॉर्मेट सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, अब इसके ज़रिए जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और हाइड्रोजन हमें अलग तरीके से सेपरेट तरीके से मिलती है.
तो ये जो दोनों प्रोसीजर हैं, ये दोनों प्रोसीजर वाटर गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन को सेपरेट करने के दोनों प्रोसीजर हैं, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट ये इन्हीं दोनों प्रोसीजर्स में जो हैं कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इन दोनों प्रोसीजर्स में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों मैंने अलग अलग करके आपको बता दिए हैं कि ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं वो वाटर गैस को रिमूव करवाने के लिए हैं, ठीक है। अभी इसके ये मैंने पहला ही लेक्चर जो है उसको अगेन रिवाइज़ किया है। अभी हमने इसमें जो है 4 स्टेप भी पढ़ना है, 5 और 6 स्टेप भी पढ़ना है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 4, 5 and 6 स्टेप, जिसके ज़रिए हमें हाइड्रोजन क्या होती है सेपरेट होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से सेपरेट होती है। सो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।